अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल में आपको शो हो गया होगा, पेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या हैं और इसकी डिटेल्स हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, पेंट कंसल्टेंसी सर्विस होती क्या है और हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, वो कैसे काम करती है और पेंट कंसल्टेंसी सर्विस लेने का आपको फ़ायदा क्या है, इसकी बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। लाइक बटन आपने प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और रूटीन में हम वहाँ पर पोस्ट शेयर करते रहते हैं, मालूमाती जो वीडियोस वगैरह हैं और उसके बाद डेली जो हमारी वर्किंग है वो हम जो है ना रूटीन में पोस्ट करते रहते हैं। तो ये है कि वहाँ पर आपको हमारी जो सर्विस हैं जो डेली हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो चेंजिंग्स वगैरह कर रहे हैं जो भी चीज़ें, तो उससे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है मतलब का इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलती रहेगी। तो पहले मैं बात ये आपको बताता चलूँ कि पेंट कंसल्टेंसी सर्विस, ये जो सर्विस है ये भी एक बिजनेस सर्विस है। जैसे आप किसी स्पेशल फील्ड के किसी आप बिजनेसमैन से, जैसे आप पेंट का बिजनेस करते हैं तो आपको जो सही इन्फॉर्मेशन है वो एक पेंट मैन्युफैक्चरर से मिल सकती है जिसका एक वसी तरस में तजर्बा है। और अगर आप पेंट बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको एक टेक्निकल कंसल्टेंट की ज़रूरत दरपेश आती है। असल में मैंने जहाँ तक नोट किया है उसमें यह है कि कुछ न्यू पेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनका सेलिंग एक्सपीरियंस होता है, कुछ दुकानदार होते हैं, कुछ डीलर्स होते हैं, सेल तो वो कर लेते हैं, उनके पास जो सेल टीम है वो भी मौजूद होती है और उसके अलावा उनके जो कस्टमर्स हैं वो भी उनके पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन असल जो सबसे जो मेन वो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो किसी भी टेक्निकल पर्सन से कंसल्ट नहीं करते। वो कोई ना कोई जो कारीगर्स होते हैं उनको उठा लेते हैं। अब कारीगर और एक जो पेंट केमिस्ट है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक कारीगर जो है वो आपको एक अच्छा पेंट कैसे बना के दे सकता है? अब किसी भी इंडस्ट्री से आप उसको उठाएंगे, उसने कॉपी पेस्ट फार्मूलेशंस तो की होंगी लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो वर्किंग है किसी भी पेंट इंडस्ट्री में, वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम उस रेसिपी को, उस फार्मूले को डेवलप जो करता है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम करती है। वो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, उसमें सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, सब लोग बामी टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करते हैं, उसके डिफरेंट टेस्ट पैरामीटर्स उसके चेक करते हैं, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होती है। असल चीज़ है कि हर एक चीज़ का एक काज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जो डेवलप होती है सबसे पहले उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पेंट इंडस्ट्री में, बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन जो पर्पस है वो देखा जाता है कि उसका जो एप्लीकेशन पर्पस क्या है। वो प्रोडक्ट आया इंटीरियर है, वो प्रोडक्ट एक्सटीरियर है, फिर उसका जो सरफेस है एप्लीकेशन सरफेस वो कौन सा है, ठीक है। वो कंक्रीट के ऊपर अप्लाई होनी है, वो वुड के ऊपर अप्लाई होनी है, वो मेटल के ऊपर अप्लाई होनी है, ठीक है। तो कोई भी जो फॉर्मुलेशन है वो उस पर्पस के तहत बनाई जाती है और उसमें जो एक पेंट केमिस्ट है वो उस फॉर्मुलेशन को डेवलप करता है, उसकी शेल्फ लाइफ, उसमें उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होने हैं ए टू जी, वो सारी एक रिसर्च है। रिसर्च के बाद उसने वो चीज़ को डेवलप करना है। अब अक्सर लोग ये करते हैं कि वो सस्ते के चक्कर में वो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना पसंद नहीं करते या उनको वो लोग अवेलेबल नहीं होते,
उनका इतना तजर्बा भी नहीं होता। वो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि जो ख़ुद भी जो है ना वो केमिस्ट बने होते हैं, चंद एक चीज़ों के वो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे वो ले लेते हैं जी बायोसाइट का क्या फंक्शन है, अमोनिया का क्या फंक्शन है, अक्रैलिक क्या काम करता है, इस तरह की चंद चीज़ें उन्होंने सीखी होती हैं। हम जैसे लोगों से पूछ लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं, या कोई नेट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा केमिस्ट समझते हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है पेन इंडस्ट्री में वो यही है कि लोग अपने आप को एक केमिस्ट समझ लेते हैं, कहते हैं ये तो काम ही कोई नहीं है, बहुत आसान काम है, और वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल अगर आप टाइटेनियम की एक सिर्फ मैं टाइटेनियम और नाइट्रोसोल की बात करूंगा कि ये 95-96,000 का बैग तकरीबन मार्केट में सेल आउट हुआ है नाइट्रोसोल का। नाइट्रोसोल तो आपको यूज़ ही नहीं करता, लोग ज़्यादातर HSE ग्रेड्स पर शिफ्ट हो चुके हैं। उसमें डिफरेंट किस्म के HSE ग्रेड्स आपको चाइना के अवेलेबल हैं मार्केट्स में, अभी तो 2400-2200 से ले के 3000 तक भी अवेलेबल। तो वो क्या करते हैं कि वो बस अपने तौर पे मतलब कि वर्किंग करते रहते हैं। अच्छा, उनसे वो मशवरा ले लिया, उन्होंने उनको बता दिया, ठीक है जी। उन्होंने अब मैं कॉस्ट की बात बता रहा था, सॉरी, बातों से बात जो है वो आगे निकल गई कि अब देखें कि वो कितने जो केमिकल्स हैं। अब पेन इंडस्ट्री जो है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं रही, इसकी जो इन्वेस्टमेंट है इस टाइम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। आप अगर नॉर्मली एक ऑल वेदर, जिसको वेदर शील्ड के नाम से मार्केट में जाना जाता है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट उसको नाम देती हैं, कोई वेदर डिफेंडर कहती हैं, कोई वेदर डिफेंस कहती हैं, ठीक है, वेदर शील्ड के नाम से पेंटर जो है ना वो उसको जानते हैं। तो आप अगर वो एक क्वालिटी बैच प्रोड्यूस करते हैं, एक क्वालिटी बैच अगर आप एक बनाते हैं, तो उसके अंदर आपकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। यानी कि नॉर्मली आप लगाएं कि आपका पर केजी 250 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट आपको आ जाती है। वेदर शील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ RMC की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल कॉस्ट की, इसमें पैकिंग मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है। आप अगर आपने वो बैग चला दिया, आपने वो 600 केजी का बैग चला दिया, ठीक है, अब आपको वो बैच जो है वो 2-2.5 लाख रुपया कॉस्ट कर गया, ठीक है। अब जिस बंदे को आपने बुलाया है, उसने चलें कहीं से वो फार्मूलेशन उठाई, अब वो चीज़ जहाँ से उसने उठाई, मे बी कि वहाँ पर प्रॉपर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसके ऊपर काम किया हो, जो इंग्रेडिएंट वहाँ पर इस्तेमाल हुए, अब वहाँ पर कौन सा बायोसाइड इस्तेमाल हुआ है, वो भी बायोसाइड है, बायोसाइड मरगाल भी है, और भी कितनी टाइप के बायोसाइड्स हैं वहाँ पर, HSE कौन सी यूज़ हुई है, और उसके बाद वहाँ पर एक्रेलिक कौन सा यूज़ हुआ है, किस कंपनी का यूज़ हुआ है, उन्होंने कोई पता नहीं। वो कहेंगे बस कोई भी एक्रेलिक आप ले आए वो चल जाएगा, अब कोई भी ब्राइट उठा के ले आए चल जाएगा, कोई भी टाइटेनियम आप उठा के ले आए चल जाएगा, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, ये बनाने का मकसद यही है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर जो केमिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास लैब्स नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो पेंट मैन्युफैक्चरिंग करें, वो लैब डेवलप करें, क्योंकि छोटे जो सरमायादार हैं वो तो इस टाइम एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको इस टाइम कंटिन्यू कर लें तो वो बड़ी बात है। तो हम जो है ऑल ओवर पाकिस्तान ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, कि वो आए हमारे साथ काम करें, उनको कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं बन रही, जो काम आप पहले कर चुके हैं वो आपने सही किया है गलत किया है उसको छोड़ दें, आए हमारे इस काफले में हमारे साथ शामिल हों, हम आपकी मदद करते हैं, हमारे कोई इतने चार्जेस नहीं हैं, हम बिल्कुल मुनासिब सी फीस लेते हैं जो हमारा हक है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं कि अगर कहीं पर प्रोजेक्ट बेस पे आप को पेंट चाहिए, तो हम कम कीमत के ऊपर आपको वो पेंट भी बनाकर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप हमसे पेंट ले सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी आप बनाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है,
अब किसी भी टेक्निकल पर्सन से आप कंसल्ट करते हैं ना, मैं देखें मेरे पास जो लोग आते हैं, मैंने कोई भी बैच बनाना है उसमें मैं क्वालिटी को मद्देनजर रखता हूँ। मैं सबसे पहले उसे डिस्कस करता हूँ, उसे पूछता हूँ कि आप जो बैच बनाने लगे इसकी शेल्फ लाइफ आपको कितनी रिक्वायर्ड है, आपने आया ये इसको प्रोजेक्ट बेस लगाना है, लगा के 1 हफ्ते के अंदर आपने इसको यूटिलाइज करना है, आपने इसको स्टोर करना है, आपको इसकी क्वालिटी कैसी चाहिए, आप मुझे कुछ सैंपल प्रोवाइड करें किसी भी कंपनी का, जिस कंपनी के मुताबिक आप उस प्रोडक्ट को बनवाना चाहते हैं, डेकोरेटिव में आप कोई भी प्रोडक्ट मुझसे बनवाना चाहते हैं, आप उसका मुझे सैंपल प्रोवाइड करें, मैं उसका सैंपल चेक करता हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन बेसिक टेस्ट चेक करता हूँ, उसके बाद मुझे आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट इस रेंज की है और इसके मुताबिक ये रॉ मटेरियल अगर हमारे पास अवेलेबल हों तो हम ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम हैज इट इज क्वालिटी में, क्योंकि हमें फॉर्मुलेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है कि अब अगर किसी भी कंपनी का कोई हमारा कस्टमर हमें कहता है पैंट मैन्युफैक्चरर कि हमने फलां कंपनी की प्रोडक्ट बनानी है, तो हमने उसको टेस्टिंग की बेस के ऊपर, क्वालिटी पैरामीटर्स बेस के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के बेस के मुताबिक हमने उसको वो प्रोडक्ट डेवलप करके दे देनी। अच्छा, सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि मैं ऑनलाइन, मेरी ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी का वक्त है, इस टाइम किसी भी एक प्रोफेशनल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑल ओवर पाकिस्तान वो घूमता रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास मौजूद है, व्हाट्सएप आपके पास मौजूद है, वीडियो कॉल का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज करनी है फ़ोन के ज़रिए आप वो हमें लिखवा सकते हैं। जैसे मैं अपनी सर्विस की पॉइंट जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा, तो उसमें यह है कि वो प्रोडक्ट हम उसको बना देते हैं, ठीक है। अब कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं हमारे पास, वो चूंकि मंथली हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो हमसे लेते हैं, मंथली कंसल्टेंसी सर्विसेज में सबसे पहले तो ये होता है कि हम उनको समझाते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये समझ नहीं आती कि ये कंसल्टेंसी क्या चीज़ है, ये क्या होती है, जब वो रेगुलर हमारे साथ काम करते हैं उनको फ़ायदा होता है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी बनती है, उनको मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो खुश होते हैं, खुश भी होते हैं, फिर हमें दुआएं भी देते हैं और फिर कहते हैं कि वाकई हमें फ़र्क आया है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हो गई है, हमारी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई है, यानी कि ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे जो कि ऐसे पेंट कारीगरों के हाथ चढ़ गए, तो उन्होंने उनका बेड़ा गर्क ना सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट का किया, क्वालिटी का बेड़ा भी गर्क कर दिया उनका, और मार्केट में नाम भी ख़राब हुआ, और एटलीस्ट एट द एंड उनको मार्केट से मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की वो भी उनको वापस उठानी पड़ी, मतलब कि वो जो माल था वो तो उन्होंने लिया लेकिन कुछ तो माल ख़राब हो गया, कुछ दुकानदारों ने जो सेल आउट कर दिया तो उसकी रिकवरी ना हो सकी, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट उनकी हुई थी प्लांट से ले के वो मैन्युफैक्चरिंग में जो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जितनी जिस लेवल पे वो कर सकते थे वो सारी उनकी ज़ाया हो गई। किस वजह से? कि उनको प्रॉपर टीम नहीं मिली, प्रॉपर उनकी वर्किंग नहीं थी। ऐसे ऐसे ब्रांड को भी मैं जानता हूँ कि जिन्होंने वो लोग हायर किए कि जिनका कोई बेसिक उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, वो उनको प्रोडक्ट नहीं दे सके और उनको एटलीस्ट अपना प्लांट जो है वो बंद करना पड़ा। अब बहुत सारे लोग उनको देखा देखी कहते हैं जी कि ये तो बस काम चलने वाला ही नहीं है, इसमें बड़े मसाइल हैं, लेकिन मसाइल हर जगह मौजूद होते हैं। अब देखिए ना कि इंडस्ट्री है, दिन रात इंडस्ट्रियाँ लोग लगा रहे हैं, बन रही हैं। 2 साल पहले की बात है कि एक सुबह पंजाब के अंदर तकरीबन 1400 पेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, 1400 रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड, लेकिन सारे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग जुगाड़ लगा के काम कर रहे हैं, अल्लाह तवक्कल काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे साथ जो लोग अटैच हैं, मैं ये आपको दिखाऊंगा अभी, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मैं हमारे भाई हैं, हमारे साथ ये अटैच हैं, मैं इनका नाम तो नहीं शो करूंगा, इनकी इजाज़त नहीं थी। तो अब ये मतलब कि
हमारे साथ, यानी कि बेसिक मैं चीज़ दिखाता हूँ, ये एक प्रॉब्लम इनको आई थी, आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम हमने उनकी हल की, उसके बाद जो है ना वो हमारे साथ परमानेंट जो है ना वो अटैच हो गए। और कुछ भाई हमारे साथ कराची से हैं, क्वेटा से हैं, पेशावर से हैं, सरगोधा से हैं, और उसके बाद लाहौर से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उनको मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ नई इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो हमने स्टार्ट करवाई, उन्होंने हमारे साथ कंसल्ट किया, हमने उनको हर चीज़ उस लेवल की बना कर दी जो मार्केट की भी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी पैरामीटर्स भी उसके सही हैं, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बेहतरीन है। तो हमारा जो काम है वो टोटल क्वालिटी बेस है। हमने जो पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उनको हम ज़रूर मालूम से खतर रखते हैं, क्योंकि मैं एक लैब का बंदा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लैब प्रोडक्शन है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कोई भी मैंने प्रोडक्ट बनानी है, यानी कि बनाने का, बताने का आपको मकसद ये है कि आप बेशक अगर हमारी सर्विस आप लेना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आती है, हमारे साथ काम करें। आप किसी और बंदे को भी हायर करना चाहते हैं, आप टेक्निकल उस फील्ड का जो रिलेटेड केमिस्ट है आप उसको हायर करें। हायर से मुराद है कि आप उसकी कंसल्टेंसी सर्विसेज ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जॉब पर रखें, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल जो आदमी है वो छोटे सेटअप में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और वैसे भी जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं उनको मैं तो यही, मेरी ये ख्वाहिश है कि उनको भी चाहिए कि वो लोगों की हेल्प करें, उनकी मदद करें। और इंशाल्लाह हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, फ्यूचर प्लानिंग भी हमारी इंशाल्लाह यही है कि मैंने अपनी एक अच्छी लैब जो है वो डेवलप करनी है, और ऐसे पेंट मैन्युफैक्चरर जो हमारे साथ भाई अटैच हैं या जो होना चाहते हैं, इंशाल्लाह इन सर्विस, हमारी जो सर्विसेज हैं वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। इंशाल्लाह हम अपनी टीम भी हायर करेंगे, टैलेंटेड लोग भी लेके आएंगे, ताकि वो हमारे साथ मिलके हम एक प्लेटफॉर्म के साथ पूरे पाकिस्तान में, जहाँ तक जो पेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे भाई जॉब कर रहे हैं, जहाँ तक हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको स्किल सिखाएं, उनको तरीकाकार समझाएं, बताएं कि आपने कैसे वर्किंग करनी है, कैसे काम करना है, पेंट इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, ठीक है। और पेंट इंडस्ट्री के ऐसे जो लोग हैं जो लो इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनकी हम हेल्प कर सकें कोई अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बना के अपना एक नाम बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं, उसको कंपनी लेवल तक लेके जाएं। तो इंशाल्लाह वो लैब जो हमारी होगी वो ऐसे काम करेगी कि उसमें जो पेंट मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास लैब्स नहीं है, उनको रॉ मटेरियल हम जो है ना वो चेक करके देंगे कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो हमने चेक करके देनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को उसकी जो कॉस्टिंग है, असल बेसिक चीज़ है कि कॉस्टिंग, कॉस्ट कटिंग जो होती है वो ये नहीं होती कि किसी प्रोडक्ट से आपने टाइटेनियम को कम कर दिया और ब्राइटी बढ़ा कर आपने उसकी कॉस्टिंग कर दी, उसके सारे पैरामीटर्स जो हैं वो आपने सेट करने होते हैं। यानी किसी भी क्वालिटी को जब आप उसकी कॉस्ट को कट करते हैं तो उसमें बेसिक पैरामीटर्स हमेशा हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो फिर आपने जो कॉस्ट कटिंग की है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट डाउन कर दी तो उसकी कॉस्ट तो बेहतर होगी, लेकिन उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन कर दी, उसका मार्केट में क्या रिस्पांस है, वो तो उसकी तो मार्केट में नाम ख़राब होगा। लेकिन हमने सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं, हमने उस प्रोडक्ट को मैच करना है, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स भी सेट रखने हैं, उसकी कॉस्ट कटिंग उस पैरामीटर्स के अंदर हमने करनी, उसको कहते हैं कॉस्ट कटिंग, जिसमें आपने क्वालिटी को भी बैलेंस रखना है और उसकी शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट को भी बैलेंस रखना है। उसके अंदर रहते हुए आपने रॉ मटेरियल्स ऐसे यूज़ करने हैं, उनकी जो डोजेज हैं वो ऐसे आपने एडजस्ट करनी है कि उसकी जो कवरिंग है, उसकी जो विस्कोसिटी है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, वो सारी चीज़ें मेंटेन रहें। अगर ये चीज़ें मेंटेन रहती हैं, एक केमिस्ट का यही काम है, जबकि कारीगर है वो आपको जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ तरीके इजाद करके वो आपको चीज़ तो बना के देगा, लेकिन आपको क्वालिटी के ऊपर जो है ना वो आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है जिसे आप चेक कर सकें।
एट द एंड जो मार्केट से आपको रिस्पांस आएगा वो फेल हो जाएगी। तो उन लोगों को हमने वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उनके रॉ मटेरियल चेक करके देने, उनकी जो कॉस्ट कटिंग करनी है, सारी चीज़ें हम उनको लैब के अंदर वो चीज़ें डेवलप करके देंगे। और इंशाल्लाह ये हम सिटी वाइज, मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर सिटी में हम अपना एक लैब सेंटर बनाएंगे, उसके अंदर प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनकी जो फिनिश गुड आइटम्स हैं वो उनको सेट करके देंगे, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो रूटीन में हम जो है ना वो चेक करके उनको देंगे, जो जो वो यूज़ कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह उसका जो सोल्यूशन है। उसके बाद जो टेक्निकल सेंटर्स हैं लैब के अंदर, टेक्निकल सेंटर्स बनाए जाएंगे जिसमें जो जॉब होल्डर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं जॉब करना चाहते हैं पेन इंडस्ट्री में, तो उनको स्किल प्रोवाइड की जाएंगी कि वो जॉब भी कर सकते हैं और अगर हमारे इस नेटवर्क में शामिल होना चाहते हैं, हमारे साथ मिल के वो काम करें और अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, अपनी जॉब करें, यानी कि बीइंग योर ओन बॉस, आप किसी को रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक है, आप स्किल सीखें, हमसे सीखें, हम आपको सिखाएंगे, सिखा के आप काम करें, आप पेन इंडस्ट्री में अपनी सर्विस दें, छोटी पेन इंडस्ट्री में दें, बड़ी पेन इंडस्ट्री में दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। और दूसरा सर्विस मैं एंड पे आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले, काफ़ी वीडियो जो मेरी वो लेंथी हो गई है, प्रोग्राम नहीं था कि इतनी लेंथी हो, लेकिन जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं टेक्निकल तो वो बातों से बातें जब निकलती हैं तो वो बढ़ती जाती हैं, तो बातें तो बहुत सारी हैं जो अगर मैं आपके साथ करना चाहूँ तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह नई नई वीडियो के साथ हम आपके साथ जो है वो नए नए टॉपिक के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो अभी हमारा जो प्रोसीजर है, लास्ट में मैं अपना प्रोसीजर बता देता हूँ कि मेरा यही प्रोसीजर है पेन कंसल्टेंसी सर्विस में, कि मैं बेसिकली जिस भी पेन मैन्युफैक्चरर के साथ मैं अटैच होता हूँ और जो हमारी कंसल्टेंसी सर्विस लेते हैं, सबसे पहले तो हमने उनकी जो ऑल रेसिपीज हैं वो सेट करनी होती हैं वन बाई वन, हम उनके उनको स्टैंडर्ड्स बना के देते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करके देते हैं, उनकी कॉस्टिंग सेट करके देते हैं, उनकी क्वालिटी सेट करके देते हैं, और वन बाई वन ये प्रोसीजर जो वो चलता रहता है डेली बेसिस के ऊपर। जो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हमसे सर्विस लेते हैं वो ये होता है कि कुछ लोगों की पास वो टीम मौजूद होती है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी हैं कि उनके पास अपनी लैब टीम भी मौजूद है, लेकिन वो लोग चूँकि फ्रेश होते हैं, इतने ट्रेंड नहीं होते, तो उनको किसी भी प्रोडक्ट डिवेलप करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो वहाँ से निकल नहीं पाते, और जो उन्होंने रिसर्च करनी है उसमें जो हेल्प है वो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते से आप जो है ये प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे जो लोग हैं जो परमानेंटली हमसे कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हैं, ऑनलाइन जो ले रहे हैं, व्हाट्सएप पर ले रहे हैं, वो ये है कि हम उनको जो भी प्रोडक्ट बना कर देते हैं उनको वन बाई वन वो इन्ग्रेडियंट समझाते हैं, बताते हैं, मैं वॉइस रिकॉर्ड करके भी उनको बताता हूँ वन बाई वन कि आपने ये चीज़, फार्मूला तो अलग चीज़ है, फार्मूले से आप कोई भी चीज़ बना नहीं सकते जब तक आपको प्रोसेस का पता नहीं है, प्रोसीजर का पता नहीं है, तो वो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, फिर वो उसकी वीडियो बना के मेरे साथ शेयर करते हैं, फिर मैं उनको बेसिक टेस्ट बताता हूँ कि अब ये प्रोडक्ट आपने बना लिए, आपने तसल्ली कैसे करनी है कि आपके प्रोडक्ट ठीक बनी है कि नहीं, फिर मैं उनको बेसिक टेस्ट बताता हूँ, जो इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल हैं वो बिल्कुल बेसिक से इक्विपमेंट हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपने लाजमी वो वीडियो देखनी है, तो उससे वो हेल्प आउट लेते हैं। तो वो ये है कि वो फिर डिस्कस करते हैं, फिर मुझे बताते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम उनको आ गई उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने देना है तो वो भी मेरे साथ डिस्कस करते हैं, उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ, फिर उन्होंने कोई रॉ मटेरियल लेना है उसमें मैं हेल्प आउट करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनको राम टील किसी काम का नहीं मिल रहा, ऐसे लोग उनको राम टील दे देते हैं, वो टाइटेनियम देते हैं तो उसमें कोई मिक्सिंग होती है, HEC देते हैं तो उसमें CMC की मिक्सिंग होती है, कोई भी राम टील उनको सही नहीं मिलता। अब आज लोग तो ऐसे हैं कि वो राम मटीरियल भी मेरे थ्रू लेते हैं, कहते हैं कि ये राम टील भी आपने प्रोवाइड करना है, ये इस प्रोडक्ट जो है ये बना कर भी आपने देनी है, सारा तरीकाकार ये आपके हवाले। तो फिर मेरे कुछ जानने वाले हैं, कुछ केमिकल तो मेरे पास अवेलेबल होते हैं, कुछ नहीं है, और कुछ हमारे ऐसे
इम्पोर्टर्स हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से शायद ये पाकिस्तान चल रहा है, तो उनके साथ वो माशाल्लाह हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो वो हमें पता होता है कि वो जो रॉ मटेरियल उनके पास मौजूद है, ये जो रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड करेंगे, उसमें कोई दो नंबरी वाला काम नहीं होगा। अगर कोई ऐसा काम वो करेंगे तो नेक्स्ट हम उनसे सर्विस नहीं लेंगे, हम उनका रॉ मटेरियल कभी भी नहीं लेंगे और ना किसी को रिकमेंड करेंगे। तो वो इस चीज़ का लिहाज रखते हैं। तो इस तरह से भी है कि आप अगर रॉ मटेरियल लेने में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह हर सर्विस आपको मिलेगी। ठीक है, ना सिर्फ हम प्रोडक्ट बनाकर देंगे, कंसल्टेंसी देंगे, बाकी भी सर्विस आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। आप अगर ऐसे दूर दराज सिटी में रहते हैं जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता, अगर वो मिलता भी है तो वहाँ पे लोगों की मोनोपोली है। अब एक मेरे भाई खारियों से आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो आज से कोई 2 साल पहले वो जो नेट्रोसोल है वो 6,000 रुपये किलो ले रहे थे। क्या आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पर सिर्फ एक बंदे ने अपनी एक शॉप बनाई हुई है, वहाँ पर उसकी मोनोपोली है, वो अपने मनपसंद रेट लगाता है। तो इस तरह से लोग जुल्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मकसद यही है कि हमने जुल्म नहीं किसी के साथ करना। जो माफिया है, ये जो लोग जो है अपने आप को समझते हैं, इंशाल्लाह इसका भी हमने तोड़ निकालना है। और हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों की भलाई है, आप लोगों की मदद करना है, किसी भी तरीके से हम आपकी मदद कर सकें। तो आपको अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर ये कहता हूँ, पेंट इंडस्ट्री में, चाहे रॉ मटेरियल में, नए प्लांट सेटअप में, या इंडस्ट्री चला रहे हैं उसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसमें मार्केट कंप्लेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट आपकी सेट नहीं हो रही, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप पेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनमाई की जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा टूर है टेक्सला का, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियोस हमारा मकसद है बनाने का। वो भी इस तरीके से एक अपनी पेंट इंडस्ट्री जो है वो लॉन्च करना चाहते थे, तो उनको मैंने ये सजेशन दी, मैंने कहा कि आप जो है ना पहले सैम्पलिंग करवा लें, ठीक है, आप तसल्ली हो, प्रोडक्ट आप ले आइएगा, इंशाल्लाह मैं उसके साथ मैच करके आपको प्रोडक्ट बना कर दूंगा। राम टील भी उन्होंने मुझसे लिया है, लाहौर से मैंने उनको परचेज करके दिया है, मेरे साथ वो गए हैं, सारी चीज़ें उनको यहाँ से हमने बिल्टी करवाई हैं, वो राम टील उनको रिसीव हो गया है, सारी चीज़ें मशीन्स वगैरह, तो पूरा एक प्रॉपर हमने सेटअप बनाया है। और वो चूंकि उनकी अपनी एक इंडस्ट्री है और काफ़ी सारा एरिया है जहाँ पर उन्हें पेंट अपना करवाना था, वो कम से कम जो है ना वो तकरीबन कोई 150-200 ड्रमी उनको रिक्वायर्ड थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो खुद ही इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो वो इंशाल्लाह इसी वीक में मेरा उधर टूर है, तो वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह और भी मज़ीद वीडियोस जहाँ तक हमारी हम रहनमाई आपकी कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो वीडियोस भी आपके साथ लेके आते रहेंगे, ताकि इन वीडियो के ज़रिए भी आपके रहनमाई हो सके। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी तरीके से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो करें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।